बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। अस्सलाम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम द टॉक शो में। आप बन सकते हैं घर बैठे करोड़पति। मैं हूं आपका मेजबान भाई मान नंबर, जहां आप आज तक अपनी वीडियोस भेजते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी भेजते रहेंगे, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गुज़श्ता दिनों में सियासी सूरत हाल में बड़ी गहमा गहमी रही और हम बहुत ही ज्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज करने के लिए बैठे हैं और यकीनन आपने शो को देख करके अपनी थोड़ी सी टेंशन कम भी की होगी। इसलिए आइए बैक टू पवेलियन। और पहली कैटेगरी हमेशा की तरह टिकटॉक हीरोइन की, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। ऑल्दो हम ये मानते हैं कि बस की लाइन में, लेकिन अंग्रेज ने कहा लेडीज फर्स्ट, तो अंग्रेज कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए लेडीज फर्स्ट। और पहली वीडियो आइए ताड़ते। चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जबान रे वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। टण 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 टुण। भाई गाना आपने इतना अच्छा बना लिया है कि आपको पता है 90s के गानों पे तो हम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। आपको पता है खाली में 90s के गानों से हमें इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि देखें 1990 जो है 1990 वो एक नंबर ही ऐसा है कि बस दिल लग जाता है, दिल लग जाता है। 90 की जो दहाई है ना, फिर वो फिर 90 पे ही जाके मोहब्बत पूरी होती है ना, मतलब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट। खेल में शाकाहारी बहुत चाली, ये रैपर फेमस हुए देखे गाली, लंबी गाड़ी असलियत में इनकी जेबें खाली। कल्लका माई गॉड, बहुत ही जबरदस्त हिप हॉप यॉप, बिल्कुल रॉकिंग नॉकिंग पॉपिंग वाला आपने जो है वो वीडियो बना दिया। और आपके ये स्वेटर के ऊपर लिखा हुआ था कैल्विन। देखिए जी, इस ब्रांड की लड़कों की चड्डियां आती हैं कैल्विन क्लाइन सी के, तो ये एहतियात कीजिए ये ब्रांड पहनने से। लड़कियों के लिए है ही नहीं तो फिर क्यों पहन लेगा। खामा हमें देखा कभी विक्टोरिया सीक्रेट पहने हुए हैं, कितना अजीब सा लगा, लड़के बॉम्ब शेल लिखा हुआ है विक्टोरिया सीक्रेट पहन हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं वो भट्टी टाइप, लेकिन बाकियों को नहीं देखा होगा आपने। नेक्स्ट। आधी रात को वॉक कर रही हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं। oh. और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसीलिए वॉक करती हूँ। कितना प्यारा है ये चेहरा,
जिस पे हम मरते हैं। बस सामने वाली पार्टी का चेहरा ही प्यारा होगा, मतलब आपके साथ इस गाने का कोई मुकाबला बन नहीं रहा है, तो दिल से आनी चाहिए आवाज ना। हम अक्सर कह देते हैं, इतने ठरकी तो हैं हम कि हम वीडियो देख के कह देते हैं हाँ जी वाकई बहुत प्यारा है, पर आ नहीं रहा है। हमने बुजुर्गों को भी देखा है, बुजुर्गों भी बैठे हुए हैं, तो खालिद भाई भी वो भी देख रहे हो, वरना वो क्या, वो तो सिर्फ उनकी उनका क्राइटेरिया एक ही है, सांस चलनी चाहिए, नफ्स चलनी चाहिए, बस। फिर भी वो कह रहे हैं नहीं इतना प्यारा नहीं है, तो यहाँ ये लेवल हो गया। नेक्स्ट देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल। अच्छा चलो निकलो, क्या है बहुत हो गया, चलो जाओ। बदतमीज़ خدت إح مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي عصعيدي ومناخوك البورسعيدي Oh my God, Kochek के ऊपर आपने गाना बना दिया। आप शायद इसको अरेबिक गाना समझिए, नहीं ये आर्मेनियन, आर्मेनिया की जबान का गाना है और बड़ा ही फेमस गाना है अरबियों का, इस पर बहुत ठुमकते हैं। अच्छा मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये अरबी लड़के हों या लड़कियाँ हों, दोनों एक ही अंदाज से क्यों डांस कर रहे होते, मतलब क्या वजह है, सिर्फ कपड़ों का फर्क पता चलता है, नाच रहे में तो एक ही तरीके से नाच रहे हैं भाई, ये अपर बॉडी क्यों यूज नहीं कर रहे हैं आप डांस करते हुए, ये किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई गई है ना, सिर्फ लोअर बॉडी यूज हो रही होती है डांस में। नेक्स्ट, ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है, उसे करीब से देखो तो दूर लगता है, दुआ करो ये सलामत रहे दगा न करे, मुझे ये शख्स किसी का गुरूर लगता है। सब शायरों से वहशत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, इसलिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है, मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वाह भाई, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो खुदाई है ये इस पूरे वर्ल्ड को, कायनात को और ये मखलूक को कहा जाता है कि जी ये खुदा की खुदाई है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको इसका कमेंट भी दे देता हूँ, आपका गाना जी मांगी ना खुदाई मैंने, ना आपने खुदाई मांगी, ना आपने जुदाई मांगी, ना आपने दुहाई मांगी, फिर उन्होंने मांगा क्या। वाह, अपनी जहनीत के हिसाब से आप खुद ही सोच लीजिए। नेक्स्ट, अखबार में हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, उसके अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जवान तो निर्माण, आज ईद तेरे वास्ते आया है अदा करके, बूहे बारियां है बूहे बारियां, ये मतलब मिनी घाघरा पहनने के बाद जो है ये देसी गर्ल का, ये आपने फ्रॉक पहनी हुई है जी, अगर आपने देसी गर्ल ही बन के आना था तो कुछ ट्रेडिशनल पहन लेते, कपड़े भी बदले आपने, ट्रांजिशनल वीडियो भी है ये, तो गाने कॉल ऑफ फेल में तजाद नज़र आ रहा है ये, मतलब आपका मूड नहीं था कि आप वीडियो बना, आपने कहा जो अवेलेबल है कपड़े उसको बना लो, तो समझ नहीं आया हमें ये।
नेक्स्ट मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ हंसू खेलू बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं आपको क्या बेहतरीन वीडियो और इसके साथ तमाम नहीं तमाम क्यों होती है यार कैटेगरी खत्म होती है चलते हैं अगली कैटेगरी टिकटॉक हीरो की जानी पर देखते हैं फटा पोस्टर तो निकला कौन सा हीरो किसका इंतजार है भाई केड़ा किला गया ठोकर कहानी गई मुक ते किला गया ठोकर मेरी समझ में नहीं आया ये किस चीज का इंतजार कर रहा है देख लें अगर मुनासिब बात की है इसने तो लगा दीजिएगा भाई वैसे इसकी शक्ल लग नहीं रही है कि इसने मुझे इसकी शक्ल देख के लग रहा है इसने कोई गंदी बात ही की होगी नेक्स्ट स्टाइल करांगे साफ साफ दसा दिल बाहर दवांगा 80-90 साल तक कोल रहेगी इस उम्र च है ना तेनू प्यार इतनी लय में जो सोनू निगम गा रहे होते हैं ना यहाँ पे ये मतलब रंछो लैन के सोनू निगम इतनी लय तेरियां इनकी असली आवाज सुन लो तेरियां फटे हुए ढोल निकलेंगे सारे के सारे और गा ऐसे रहे होते लय अबे भाई तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है कि तुमने कैसे गाना तुम्हें बाथरूम सिंगर भी नहीं कहा जा सकता तो तुम्हें बाथरूम सिंगर कह दिया पानी की टंकी बंद कर देंगे लोग मोहल्ले वाले वो कहेंगे इसको बाथरूम इसको निकालना ही नहीं है ये सिर्फ यही चिल्लाएगा पानी नहीं आ रहा अगर पानी आएगा तो ये गाएगा बंद करो नेक्स्ट उंगल जेड़ा करता है ओनू हूं गिफ्ट च दंदे वहां बलिया साडी जिंदगी अठा बलिया नी सानू एरे करदी नी परवाह बलिया इश्क करके तुझसे दीवाना बेताब हुआ बर्बाद हुआ हर भूल गया अपना भी नाम जब नाम तेरा इसे याद हुआ इश्क करके तुझसे दीवाना ओके जट्टा वाली गाल हो रही है मैं तो सिर्फ इतना ही कहना यार ये मेरी समझ में नहीं आता है मैं खालिद भाई ये जितने भी हम वीडियोस देख रहे होते हैं गाने देख रहे होते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि कोई लड़की जो है वो यही क्लेम कर रही होती है कि जी जट्टा जो है वो छोड़ गया बेवफा हो गया इन शॉर्ट जट्टा शार्ट हो गया ये जट्टा क्यों शार्ट होता है
क्या वजह है? समझ में नहीं आ रहा हमारे क्यों जट्टा शार्ट हो रहा है। शार्ट होने वाली चीजों में आज भी जट्टा दूसरे नंबर पे, आपको पता है पहले नंबर पे क्या है? बड़ी गंदी सोच है यार आपकी, स्विच की बात कर रहा था मैं। हाँ स्विच शॉर्ट हो जाता है ना, प्लग शॉर्ट हो जाता है, उसकी बात कर रहा है यार, बड़ी गंदी सोच यार। हाँ ये गंदी बातें कर रहे हैं खालिद, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ। हाँ वो भी मतलब जो आप सोच रहे हैं नवाज शरीफ। नेक्स्ट बिगड़े हैं दिल अपना है नसीब नहीं रईस बड़ा। भाईजान आपको पता है इस फिल्म के अंदर, ये जो देसी बॉयज फिल्म है, इसमें जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार का काम क्या था, मतलब वो जॉब क्या करते थे आपको पता है? उनके निकनेम थे हंटर और रॉको, जो कि डार्क वेब के ऊपर बहुत ही फेमस थे। बाकी आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा, क्या माहौल तो आपने बना ही दिया अगर इसी काम पे निकलने का इरादा है तो। औरत की इससे बड़ी आजादी क्या होगी कि उसकी कोई बीवी नहीं होती। कुर्ता पजामा जट्टा ते बहुत सोहना लगता है, अज मेनू बहुत पसंद है। नजरां दे उत्ते बड़े केस चलदे हुस्न अज सदा। जब चाहे ईद मना ले, चांद हमारा अपना है। बेहतरीन वीडियोस, कमाल हो गया, धमाल हो गया, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। उस रुमाल से जो भी पोंछना चाहे पोंछ लें, उमूमन तो आंसू पोंछे जाते हैं, बाकी नाक वगैरह भी पोंछी जा सकती है। हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत महबूबा आबादी हुकूमत पाकिस्तान, बत्तियां बुझा दो। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन, वेलकम बैक एक बार फिर आपको शामिल कहते हैं आपके पास प्रोग्राम टॉक शो में। आप बन सकते हैं बड़े करोड़पति। चलते हैं अगली कैटेगरी टिकटॉक। आंटी की जाने पर देखते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी या छापा पड़े नहीं या पार्टी क्यों चलेगी। जे ते नुभान आला नस्ली होए मुर्शिद, खुदा दी कसमें कल्ला यारी करोड़ा ना हुंदा है। वेरी गुड, अब तो आपके हाथों की मेहंदी भी छूट रही है। अब ऐसी इश्क और प्यार मोहब्बत की बातें ना करें। जब मेहंदी लगवाई थी ना जिस दिन, उस दिन ये वाली बातें करके वीडियो बनानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि जिसका सच्चा प्यार होता है ना उसकी मेहंदी का रंग ज्यादा गहरा आता है ना, ज्यादा गहरा आता है। तो ये अब तो खैर केमिकल वाली मेहंदी आ रही है, हर किसी का रंग गहरा ही आ रहा है। नेक्स्ट दिल मांगता है, दिल 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 मांगता है, दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आज सोनिया।
हॉक्स बे, वाओ नाइस। मतलब वहां के लोग जो है घूम रहे होंगे, वो ये वीडियो जब आप बना रही होंगे तो पीछे से जो माहौल चल रहा होगा वो घूमते फिरते जो है वो बता रहे होंगे हॉक्स बे वॉच, मतलब हॉक्स बे वॉच क्या हो रहा है देखो, ये आपने कर दिया है इसको हॉक्स बे को हॉक्स बे वॉच। Next. What's your name, Dreamboat? My name is Trevor Holmes. You're so hot. Oh. Are you engaged? No. Cool. Trevor. Yes, ma'am. Don't call me ma'am. I'm sorry. I respect you so much. Don't respect. कान आंखों में भर के ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के मैं अब बड़ा ही कोई रोतू सा गाना था, कभी सुना है तुमने मुकद्दर ये गाना? कौन सा है? अबे विवाह का होगा, हाँ वो मनुष फिल्म जिसके अंदर वो दुल्हन का घर जल जाता है, हाँ ये उसका होगा। नहीं मैं मनु से नहीं कह रहा, लोग कह रहे थे कि भाई देखो शादी की दुल्हन का जो है वो घर जल गया और दूल्हा की क्या जल गई थी, दूल्हा की वो यार वो बारात की शेरवानी जल गई थी, हाँ उसी में थी। नेक्स्ट कैसे सुनाऊं तुम्हें दिल की दास्तां, मैं कैसे सुनाऊं तुम्हें दिल की दास्तां, मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। आप ना सुनाए दिल की दास्तां, दिल खुद ही उचक उचक के बाहर आ रहा है सुनाने के लिए, कह रहा मैं बताऊंगा नहीं आप रहने दे, मैं बताऊंगा। दिल आपके जज्बात देखिए, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है ना, तो दिल हलक के जरिए बाहर आ रहा है कि जी मैं बताऊंगा। कलेजा जो कहते ना, कलेजा मुंह को आ जाना, वो हुआ हुआ है आपकी इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही। मतलब ये मोनालिसा की पेंटिंग कहां पर है? पेरिस में। वेरी गुड, मुकद्दर साहब कह रहे हैं यस। किसने बनाई है मुकद्दर मोनालिसा की पेंटिंग? लियोनार्डो डी कैप्रियो नहीं, लियोनार्डो डी कैप्रियो ने टाइटैनिक वाली पेंटिंग बनाई थी, लियोनार्डो डी वेंची ने बनाई है। हाँ लियोनार्डो पेंटर नहीं है, वो भी किसी ने बना के दी होगी उसको, केट विंसलेट की पेंटिंग। नेक्स्ट। आँखों ने तेरी आँखों से मेरी जाने क्या कहा, जाने क्या कहा, ओ मोहब्बत ने मेरी मौका देते हैं तभी तो लोग धोखा देते हैं। अभी तो मैं सिर्फ मार्केट में आया हूं, ब्रांड बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। कैटेगरी हो गई तमाम, चलते हैं अगली कैटेगरी टिकटॉक। अंकल की जाने पर देखते हैं अंकल की इस बारे में क्या राय है, लगाइए। सबकी नजर में ना आया करो, नजर लग जाएगी, समझो जरा बात मेरी जनाब, बजरिया में सबकी नजरिया खराब, नजर लग जाए जो इरादे बता दो तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम।
जा ही जाओगी तुम। आग लगाऊं मैं तेरी डिग्रियों को, एक मेरा दिल तुझसे बढ़ा न गया। वाह क्या बात, बेहतरीन, नाइस। ये DDLJ का जो क्रेज है वो अभी तक कायम दायम है। अच्छा मुझे ये बताओ मुकद्दर, DDLJ में L का क्या मतलब है? नहीं ये ले जाएंगे, हाँ ले फिर जाएंगे सही। अरे वाह वेरी गुड, DDLJ में L का मतलब है ले। बड़ा ये देखो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होती है तो कितनी अजीब सी लगती है ना। अब वो ले अजीब सी हो रही है लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले अभी भी अजीब है। ले जाएंगे अब कंप्लीट हो गई, इसीलिए कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी भी बात को ना सुने ना समझे, पहले पता करें कि बात हो कहां से रही। बीच में से कोई भी वर्ड निकाल के या कोई भी बात निकाल के लोग आजकल क्लिपें बना बना के चला रहे, ये अच्छी बात नहीं है। बस यही हमारा मकसद था आपको बताने का। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज कहने से पहले अगली वीडियो। अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा, दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखे तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी। मैंने तो तुम्हें माफ किया मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। वे यार कितना भुना हुआ गोविंदा है ये, है शदीद भुने हुए एक्सप्रेशन आ रहे थे इस बंदे के और फुल पक्के। मैंने तो तुम्हें माफ किया, आइंदा कभी इंसान का जन्म मिले, ऐसा लग रहा है मामू ने बेटी का रिश्ता नहीं दिया तुमको। है मामू होते ना सब पैसे वाले, वो नहीं देते रिश्ता, वो कहते हैं नहीं नहीं बाजी आती भी है लेने के लिए, देखो तुम तो मेरे भाई हो। कह रहा भाई भाई अपनी जगह भाई, ऐसी भाई बेटी हमने ब्याह नहीं है बड़े घर में, या नहीं देंगे। हाँ वो कुछ लोग होते हैं ना उनके सिलसिला चलता आ रहा है कि बेटी लाओ छोटे घर की और ब्याह बड़े घर में, ये सिस्टम है, ताकि जो छोटे घर की लाओगे वो दब के रहेगी और जो बड़े घर में ब्याहोगे तो वो वहाँ पर दब के रहेगी। मैं मतलब मिजाजन दबने की बात कर रहा था। नेक्स्ट कोई ना कम सला वक्त ते मक्का जिंदे जी ओल्ड स्कूल कहानी। चलते हैं अगली कैटेगरी टिकटॉक फ्रेंड्स की, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों का दोस्ताना यारों का ना क्या गोल खिला रहा है ये जमाना। दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। ओ तुमसे शुरू
बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त, इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन इंसान के बदलने के देखो एक तो बेसिक जगह है जहां पर वो बदला जा सकता है, और वो है हॉस्पिटल का लेबर रूम। वहां बदला जा सकता है कि भाई चलो ये थोड़ा सा यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला ले लेते हैं, ऐसे ये चांसेस हैं, ठीक है ना। मैटरनिटी होम्स वगैरह बने हुए हैं कुछ, वो शेडी से जो है वहां पर भी ये हो सकता है कि ठीक है चलो बदल लेते हैं, बाकी और कौन सी जगह ये नहीं पता हमें। नेक्स्ट खिलाएगा भाई, कल गाड़ी की चाबी देना यार, माँ को मार्केट तक लेके जाना है। अबे अब तू भी तो गाड़ी ले ले, या पूरी जिंदगी भर इससे मांग मांग के काम चलाएगा। ये अपने नए दोस्तों को समझा ले कि अपनी दोस्ती के बीच में ना आए, शायद इनको पता नहीं कि हम कितने सालों से दोस्त हैं। अबे समझना इन्हें नहीं, समझना तुझे चाहिए, जब भी पार्टी के लिए बोलो हमेशा मना कर देता है। भाई तुझे पता है ना अभी थोड़ा कंडीशन सही नहीं है, तो तुझे दोस्ती का मतलब भी पता है, और तूने आज तक हमारी दोस्ती के लिए किया ही क्या है। जिंदगी में एक बार सच्चा प्यार होता है, और मैंने वो भी तेरी खुशी के खातिर खोया है। भाई ये देख तेरी भाभी ने फोटो भेजा है। क्या बात है यार, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ भाई, लेकिन एक बात बता, प्यार करता है तू इससे? भाई अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ इससे, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और भाई 5-6 महीने में हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या बात है भाई, खुश रहो तुम दोनों। थैंक यू भाई। क्या हाल है भाई लोगों? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यार एक सेकंड ना, कॉल आ रही है। हेलो, हाँ बेबी, हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा बर्थडे है और पार्टी का इंतजाम भी पूरा हो गया। अच्छा खुशी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं दोस्त लोगों के साथ हूँ। ओके बाय। भाई तेरी गर्लफ्रेंड का नाम खुशी है? हाँ भाई। तेरे भाई की गर्लफ्रेंड का नाम भी खुशी है? क्या बात है भाई। अच्छा फोटो दिखा भाभी का। भाई आज शाम को दिखाऊंगा, आज उसका बर्थडे और पार्टी का इंतजाम पूरा करना, तुम दोनों शाम को रेडी रहना, मैं शाम को मिलूंगा। ठीक है भाई। ओके भाई। हेलो। हाय। कहाँ पर हो? यार घर पे ही हूँ, काफी बीमार हूँ। हाल अपने आप को यार। अबे ये क्यों रो रहा है? भाई इसकी बंदी किसी और से शादी कर रही है। अबे लड़की छोड़ के गई है, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई है, लाखों लड़कियां है, एक गई दूसरी आएगी। चल चुप हो जा, रो मत। भाई तूने कभी किसी से प्यार किया है? अबे चल, तो फिर तू नहीं समझेगा। जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए रोता है तो समझ लेना कि वो अब कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, ऐसा क्या हो गया भाई, दोबारा मोहब्बत नहीं हो पाएगी? क्यों, क्या काट दिया क्या आपका फोन? मतलब आप कॉल करके देखो, ट्राई करो, शायद रिस्पॉन्स मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है, फोन कर रहे हैं फोन काट, किसी और नंबर से करो, फिर उठा लेंगे, फिर नहीं काटेंगे फोन। नेक्स्ट। अगर तुम चाहती हो कि मैं इनके पैर छूं तो फिर भूल जाओ। कारा झूठा जो पर था यार, किन्ने यहां पे चले आए ते किन्ने चारे नहीं, गिन गिन के दिल तोड़ दे जो टूट दे तारे रेहानी होने ऐतबार सोनी है रेहानी होने ऐतबार भाई। वाह वेरी गुड, ये देखो सच्ची दोस्ती इसको कहते हैं। वापस आया है लेने के लिए? नहीं बेटा, चलो साथ में भागेंगे, हारेंगे तो साथ में हारेंगे, तू सेकंड लास्ट मैं लास्ट, लेकिन जाएंगे साथ साथ। तो कुछ जगहों पर आके रास्ते अलग करना जरूरी होता है, जैसे शादी, वहां रास्ते अलग हो जाए तो ही बेहतर है, वहां ये वाली शर्त नहीं रखते, नहीं नहीं साथ साथ ना। तो भाई आपको लड़की मिल जाए उसको ना मिले तो फिर साथ साथ नहीं हो सकती ना शादी, एक ही हॉल में दोनों, एक तरफ स्टेज तेरा एक तरफ स्टेज मेरा, ये नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर होती है। नेक्स्ट। देखो मत प्यार हो जाएगा, चलो तुम हारे ये इशारे हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। Say he
कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम भूल जाओगी तो। मैं कह रहा हूं तमाम कैटेगरीज की तमाम वीडियोस यहीं पे तमाम करते हैं और देखते हैं वीडियो ऑफ द डे टाइटल किस वीडियो की जाने बढ़ रहा है। लगाइए आधी रात को वॉक कर रहे हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि कोई अगर देखते हैं तो हमारा फिगर देखते हैं और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, सो इसीलिए वॉक करती हूँ। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मर। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको डीजी टारगेट डीजी टाइटल आपका प्राइस जो कि सरप्राइज बहुत आपको मिल जाएगा, मिल जाए तो उसकी भी ना कर भी हमें जरूर मेरी काम पूरी कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी अपने प्रोग्राम में लगाने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। ए, 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 हमें दीजिए इजाजत नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। बत्ती तो बजा दे मेरे भाई। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।